हाय फ्रेंड्स, मैं फैयाज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हुंडई i20 में बनाने जा रहा हूँ। इसका मुझे स्टीयरिंग कॉलम का कैलिब्रेशन करना है, स्टीयरिंग एंगल का कैलिब्रेशन करना है। तो आइए गाड़ी के पास चलते हैं और इसका कैलिब्रेशन करते हैं। और ये कैलिब्रेशन मुझे कार पीएम स्कैनर जो है उससे मैं करने वाला हूँ। तो क्या क्या प्रोसेस है आगे का, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी के पास मैं आ गया हूँ और जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि गाड़ी चलाने के बाद कभी लेफ्ट साइड में हल्की सी जो है भारी टाइप की ऐसे लग रहा है कि स्टीयरिंग इधर को आ रही है, और कभी ऐसा भी लग रहा है कि लेफ्ट साइड राइट साइड में जो है सिर्फ राइट को ही जा रही है। तो इसका सस्पेंशन भी सही है और अलाइनमेंट भी सही है। तो अगर सस्पेंशन अलाइनमेंट सही है तो इसका स्टीयरिंग एंगल का कैलिब्रेशन होता है वो मिलाना पड़ता है, तो उसी को मैं मिला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कार पीएम स्कैनर है, मैंने यहाँ पे इसका लगा चुका हूँ और इसी से मैं इसका कैलिब्रेशन करने वाला हूँ। तो इसमें क्या करना है, जो हमें कार पीएम स्कैनर का जो एक इसका साइड है इसको ओपन करेंगे और स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। आप देख सकते हैं ये स्पेशल फंक्शन है, तो दिखा दो पास से। देखिए इसमें हम जाएंगे तो इसमें सब ऑप्शन देगा, वो हमें फॉलो करना होगा। जैसे किस गाड़ी कंपनी की गाड़ी है तो ये हुंडई का है तो हमें हुंडई डालना होगा। उसके बाद इसमें देखिए ये i20 है एक्टिव, तो हमें i20 डालना होगा। ये उसके बाद कौन सी ईयर की गाड़ी है, 2015 है, मैं 2015 डालूंगा। इसमें लाइसेंस प्लेट नंबर, तो ये देखिए इसमें स्टीयरिंग एंगल का दिखा रहा है, स्टीयरिंग एंगल है, ब्रेक ब्लेडिंग का है, इंजेक्टर कोडिंग का है, इम्बुलाइजर कोडिंग का है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टीयरिंग एंगल पर क्लिक करना है। तो स्टीयरिंग एंगल जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन देगा कि क्या क्या करना है हमें। देखिए इग्निशन बोल रहा है कि ऑन रखिए, इंजन को ऑफ रखना है और स्टीयरिंग एंगल बिल्कुल सीधा रखना है। तो हमें स्टीयरिंग एंगल देखिए मैंने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और इग्निशन को ऑन रखा हुआ है मैंने, इंजेक्शन मेरा चाबी ऑन है। उसके बाद देखिए इसमें और कुछ देगा, जब हमें इसी को फॉलो करना है जो जो चीजें बताएगा। तो हमें नेक्स्ट फिर से इसको ऑन करना है, यहाँ पे पूरा सब ऑन हो गया। ये देखिए अब ये क्या कह रहा है, स्टीयरिंग का एंगल बिल्कुल जो है एकदम बिल्कुल सीधा रखना है, स्टीयरिंग व्हील इन द सेंटर। तो हमें इसको सेंटर में रख लिया है, इसके बाद में फिर ओके कर देंगे हम। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्टीयरिंग लाइट हमारी बिलिंग करना स्टार्ट कर दी। ये देखिए अगर ये बिलिंग हो रहा है तो ये समझिए कि हमारा स्टीयरिंग एंगल प्रोसेस चालू हो गया, सेटिंग कर रहा उसका। अगर ये बिलिंग नहीं हो रहा तो ये समझिए कि अभी नहीं चल रहा प्रोसेस। अब ये देखिए हो गया और यहाँ भी अभी चल रहा है, अब देख सकते हैं इसको। और गाड़ी जब भी हम मिलाएंगे इसको तो गाड़ी बिल्कुल सीधा रखना है इसको, स्टीयरिंग को। अब ये देखिए बोला है स्टीयरिंग लेफ्ट राइट टर्न करना है, तो हम स्टीयरिंग को लेफ्ट और राइट में टर्न कर लेते हैं। ये फुल हो गया, इधर इधर फुल हो गया। उसके बाद हम बिल्कुल सेंटर में फिर से ले लेंगे इसको। सेंटर में लेने के बाद में हम फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए और बोला है कि 10 सेकंड के लिए चाबी को ऑफ रखना है, तो हम ये 10 सेकंड के लिए चाबी ऑफ कर दिया। अब देखिए मीटर पे से लाइट ऑफ है 10 सेकंड के लिए। उसके बाद हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखिए चाबी ऑन हो गई। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट, स्टीयरिंग एंगल सक्सेसफुल, यानी हमारा स्टीयरिंग एंगल जो हम कैलिब्रेशन कर रहे थे ये सक्सेसफुल हो गया। तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा ही सा है, अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा इसमें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।